सभी को मेरा राम राम बच्चों, बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने। देखिए आज जो हम करेंगे चैप्टर फाइव, दोबारा बोलना पड़ेगा, चैप्टर फाइव क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो है मैंने, सेवन्थ क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लीज आगे से देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है बच्चा, देखो मैंने तीन फॉर्मूले लिख दिए वहाँ पर जो इसका यूज होगा यहाँ पर। बहुत ईजी चैप्टर है ये, आराम से स्कोरिंग मतलब आप बहुत स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में, जितने भी जो भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अराउंड, ठीक है, तो आप स्कोर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, आर डी शर्मा से क्वेश्चन करेंगे या फिर टुगेदर किसी भी बुक से करो, सबसे पहले एन सी आर टी को जरूर करो, जब एन सी आर टी से हो जाएगा तो फिर बात बन जाएगी। चलिए देखिए ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितना बच्चा, 4 है, ठीक है बच्चा। अच्छा डी की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चा, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दूँ बच्चा, एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू हमारी 4 है, ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन, एन तो हमें पता ही नहीं है, क्या बात, पिछली वाली बात है, ठीक है, और ए भी नहीं पता, क्या बात, तो डी तो पता है तो डी रख दो। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, इसको इधर ले आओ बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा 6, a प्लस 2n, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ये आ गया आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, sn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो sn इज इक्वल्स टू कितना होता है, n बाई 2 l, हाँ n बाई 2 a प्लस l। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ए एन जो होता है वो क्या होता है, एल, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ तक कोई डाउट, अंश समझ में आ रहा है आपको, पक्का नहीं क्या आपको बेटा, ठीक है। चलिए एस एन की वैल्यू कितनी है, माइनस 14 एन बाई 2, ए की वैल्यू कितनी बच्चा, और एल की वैल्यू कितनी बच्चा, बोलो एन, ए एल है आपको, क्या बात है, आई लाइक दिस ए एन, ठीक है, ए तो हमें पता ही नहीं था, वो ए एन है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक काम करेंगे, इसे इधर भेज देंगे, माइनस का 28 एन ए प्लस 4, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, अब क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, माइनस का 28 एन, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2n है ना प्लस 4, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो माइनस का 28 एन, तो देखो 6 और 4 माइनस का 2n, अब माइनस का 28 आपको मल्टीप्लाई अंदर करनी आती ही है, n और 2n स्क्वायर। अब एक बात बताओ, सीखा है आपने चैप्टर थर्ड में, ओ सेकंड में और फोर्थ में, क्या इसको उठा के इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस का 28, हमने क्या करा, इन दोनों को उठा के इधर ले आए, 10 इधर आ गया माइनस में और ये इधर आ गया प्लस में। अब जा सकते इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो एन स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का 14, 14 नहीं 28 होता है, 2 कॉमन लेके मैंने नीचे भेज दिया, वो 0 हो गया, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, फैक्टर नहीं भी कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर में बस थोड़ी कठिनाई होगी। अब आपको पता है फैक्टर गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 14 आना चाहिए, और बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट माइनस 5 और मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिखें बताओ, यस उत्कर जी बुझा गया आपको लगता है, ये माइंड में प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है, ये माइंड में आएगा आपके प्रैक्टिस करते करते, ठीक है अंश जी, कोई दिक्कत, इधर देख लो जरा, यह आ गया एन कॉमन ले लो प्लस 2, यहाँ से n कॉमन ले लो, अब यहाँ पे देखो n माइनस 7 दोनों में कॉमन है, n प्लस 2, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 7 और n की वैल्यू क्या हो गई, तो माइनस 2 को क्या लिया जाएगा, नहीं माइनस तो n हो ही नहीं सकता, पद कभी नेगेटिव में हो सकते हैं, नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, बचा क्या हमारे पास बेटा, a, क्या बचा, a, तो यहाँ पुट कर दें क्या होगा बेटा, देखो a 6 माइनस कितना लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 7, तो कितना आएगा, कितना आएगा, आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है, सबको समझ में आ गया,
ठीक है बेटा, नोट करो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो प्लीज़ वीडियो के नीचे, किसी को दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों, है ना, दोबारा बोल दिया, कोई बात नहीं। देखिए सर, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 8, एस 192, ये एस एन नहीं है, 192 एस एन है, ओके मिस प्रिंटिंग है बेटा, तो शॉर्टकट मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एस 90 की वैल्यू एक तरीके से है ना, ओहो यहाँ भी ऐसी है ना, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अब डी निकालना, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन की वैल्यू 192, एन कितना है बच्चा 8 है, ए कितना है 3 है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा बच्चा, डी निकालना है तो 7 कैलकुलेट तो हो ही नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है इसको इधर भेज, चलो काट दो, 4 इधर आ जाएगा 192 अपॉन में 4 है ना, ये देखो काट, 2 चौके 8 और 4 डिवाइड में चला गया, और ये कितना आ गया बेटा 6, और ये कितना आ गया 7, शाबाश, ये कटेगा 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 16 बचा कितना 4 8 32, ठीक है चलो 48, इधर 6 माइनस में चला गया अपॉन में 7, कितना आएगा बच्चा 42 अपॉन में 7, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 7 6, आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा एस एन इज़ टू 144 दे दिया, एन की वैल्यू 9 है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू प्लस, देखो लास्ट टर्म दे रखी है, एल दे रखा है, तो ए प्लस एल लगा दूँ, एस एन की वैल्यू 144, एन की वैल्यू कितनी बच्चा 9, और हमें अच्छा मगर ए निकालना, ओके ओके ओके, यहाँ पर 28 है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बुझा रहा है सभी को, एन की वैल्यू दे रखी है, ए निकालना है, एल दे रखा है, एन एस एन दे रखा है, हाँ जी कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा, पक्का ठीक, टेंशन नहीं लेने का, इधर देखिए ये इधर आ जाओ और ये इधर आ जाओ, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, 16 निम्न में 144, ठीक है 16 2 32 माइनस 28, ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, आंसर ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये सारे क्वेश्चन थर्ड के हो चुके हैं कंप्लीट, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।